दोस्तों, आज जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं वो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा मौसम के संदर्भ में, अलनीनो लानीना, है ना। तो आखिर ये है क्या, ये किस प्रकार से कार्य करती हैं, या फिर क्या होती हैं, भारतीय मानसून पर क्या असर पड़ता है ना, इसके बारे में हम जानेंगे। इस क्षेत्र पर हमारे क्या असर पड़ता है, भारतीय मानसून इससे कैसे प्रभावित होती हैं, किस तरीके से, बिल्कुल सामान्य शब्दों में जानेंगे। कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे, जहां तक मैं चाहता हूं बताना कि बिल्कुल भी दिक्कत ना हो आपको, बिल्कुल आसान भाषा में समझ जाए, है ना। तो आप ये समझो पहले, उसके पहले समझने के पहले आप ये समझें कि जब भी कोई गर्म पानी होता है तो उसके अणु बिखरे होते हैं, या उसके अणु अपेक्षाकृत ठंडे पानी के दूर दूर होते हैं, है ना। तो अब और एक चीज और जानिए कि ट्रेडमिल जो है इस प्रकार से इधर से चलती है। ट्रेडमिल, व्यापारिक पन्ने जिसे कहते हैं हम, तो वो क्या चलती है, ईस्ट से वेस्ट चलती है। अब इसके बारे में कई कारण हैं जिनकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि ट्रेडमिल क्यों इधर से चलती है, या अभी हम फिलहाल अलनीनो और लानीना के बारे में जानेंगे। अब ये जो ट्रेडमिल चलती हैं, इनके कारण जो है पानी का प्रभाव यहाँ से इस तरीके से सर्कुलेट होता है। ये जो प्रशांत महासागर है इसमें सर्कुलेट होता है ना। तो ये क्या करती हैं, पानी का प्रभाव इधर से इधर चलता रहता है, वो घूमती रहती है ना। तो अब क्या होता है, यहाँ पे गर्म हवाएं, जब यहाँ पे गर्मी बढ़ जाती है, आपको ये पता ही होगा कि ये भूमध्य रेखा के क्षेत्र में आता है, तो यहाँ पे जब गर्मी बढ़ जाती है तो अपेक्षाकृत यहाँ पे ठंडे पानी की मात्रा होती है, यहाँ गर्म पानी की मात्रा और यहाँ ठंडे पानी की मात्रा। ट्रेड विंड के साथ साथ ये गर्म पानी, चूंकि आप जानते हैं कि गर्म पानी जैसे ही होता है तो वो हल्का होता है, ऊपर आ जाता है, और वो तेजी से ट्रेड विंड के साथ साथ इधर बह के यहाँ आती है। और ये घटना लगातार नहीं होती, क्रमगत नहीं होती, हर साल नहीं होती, कुछ समय के बाद बाद होती है। इसका कारण है ऊर्जा का इकट्ठा होते रहना या गर्मी का इकट्ठा होते रहना, जिसके कारण से ये 3 4 साल 5 साल में अपना प्रभाव दिखाती है। जब ये प्रभाव आती है अलनीनो वाला, यहाँ ले जाती है सारे पानी जो है, यहाँ ले जाती है, तो इस तट में यहाँ पे ठंडे पानी की मात्रा बढ़ जाती है और ठंडा पानी ज्यादा रह जाता है। इसको हम्बोल्ट जलधारा के नाम से जानते हैं, इसके बारे में कभी और चर्चा करेंगे। ये जो सारा पानी है यहाँ से यहाँ तक बहती है, और इंडोनेशिया वगैरह ये जो क्षेत्र है यहाँ पे मान के चलिए कि 60 सेंटीमीटर तक अधिक जो जल स्तर है वो बढ़ जाता है। अब जब यहाँ गर्म पानी आएगा या गर्म पानी का प्रवाह यहाँ आएगा तो क्या करेगा, ये वाष्प बनेगा, वाष्प बना के ऊपर उठेगा, तो यहाँ पे जो ठंड, मतलब मौसम ऊपर बादल संघनित हुए थे, बने थे, उनको क्या करेगा, विरल कर देगा, और ये यहाँ से क्रॉस होके यहाँ तक आ जाती हैं। तो जो हमारे यहाँ मॉनसून की वर्षा होती है उस समय अभी ये अलनीनो आती है, इसी को अलनीनो कहते हैं, अभी ये इस समय आती है। तो यहाँ पे जो हमारा मौसम बन रहा था मानसून का, उसमें क्या करती हैं, उन बादलों को विरल कर देती हैं, कमजोर कर देती हैं, और भारत में वो सामान्य वर्षा नहीं करा पाती, मानसून जो है सामान्य वर्षा नहीं करा पाती है, और यह इफेक्ट होता है अलनीनो का, जिससे भारत में सूखा पड़ता है। ठीक है, अब यहाँ पे जब ये अलनीनो घट जाती है घटना, तो उसके अगले साल हो सकता है लानीना की घटना घटे। लानीना की घटना क्या होता है कि यहाँ पे फिर जो मात्रा होती है, यहाँ पे ठंडी जल की मात्रा होती है पर इससे कम ठंडा जल यहाँ होता है, और वो तेजी से या इस तरीके से मतलब मात्राएं यहाँ पे ठंडे जल की बढ़ती जाती है ना? फिर उसी तरीके से होता है, या फिर यहाँ से जैसे तेजी से इधर जो जल की मात्रा है वो
वितरित होती हैं, और फिर यहाँ जो होता है वो तेजी से ठंडा होता है। और फिर क्या होगा, जब हमारे मानसून वाला क्षेत्र है वो क्या होगा कि अधिक सघनित हो जाएगा, क्योंकि ठंडा हो जाएगा। जब जल ठंडा होता है तो अधिक सघनित हो जाता है, तो इससे क्या होता है कि फिर ये जो मानसून है उसको सपोर्ट मिल जाता है, और सपोर्ट मिलने के कारण वो अत्यधिक वर्षा कर देती हैं, जिससे यहाँ पे हमें अधिक मानसून की प्राप्ति होती है या अत्यधिक बारिश की प्राप्ति होती है, जो बाढ़ भूस्खलन जैसी घटनाओं को जन्म देती है। तो अल नीनो और ला नीना ये दो चीजें हैं, और इसके बाद आप ये देखना कि पहले इसका क्रम अल नीनो और ला नीना का थोड़े दिनों के अंतराल पे था, पर इसका क्रम अब लगातार बढ़ता जा रहा है। आप उत्तर बताएं कि यह क्रम लगातार क्यों बढ़ता जा रहा है, या और अब ज्यादा क्यों आने लगे हैं, या ज्यादा प्रभाव अल नीनो का या ला नीना का क्यों होने लगा है। इसका उत्तर आप कमेंट